अरे तेले चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंत्र जगत क्या नहीं है जगत में कोई क्या नहीं है परमानेंट नहीं है अरे क्या नहीं है पागलो जगत में कोई परमाने जगत में कोई कौन कौन परमानेंट नहीं है कैसी बात करते हो गुरुजी राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट हो भैया या हो लेफ्टिनेंट हो भैया या हो सभी को खा जाती है मौत सभी को खा जाती है लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई ना परमाने पर एक संत ने पता है क्या बोला एक संत ने इसका उत्तर दिया जगत में प्रभु है परमाने जगत में प्रभु परमाने पूर्ण ब्रह्म पावन परमेश्वर इनसे मत होना अपसेंट जगत में प्रभु है परमाने मेरे प्रियजनों हमारी आत्माओं हम तुमको जगाने आए हैं जगाने की बात यह है हमको सृष्टि बदलने के पहले अपनी दृष्टि बदलना है क्या बदलना है जोर से बोलो दृष्टि कैसे बदलेगी बोलो 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 कैसे बदलेगी अरे बोलो तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा सर्वोत्तम उपाय सदगुरु की कृपा गुरु कौन जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का तेज पुंज प्रकाश तुम्हारे मन के अंदर में कोई क्रांति कर दे वो गुरु है गुरु कौन जो तुम्हारे मन की व्यथा को मिटा दे अपनी कथा के द्वारा गुरु कौन जिसको देखते ही तुम्हारे अंदर मन में आह्लाद और प्रसन्नता और प्रभु को याद करने के विचार प्रकट होने लगे वो गुरु गुरु कौन जिसकी दृष्टि से तुम्हारी निजी जिंदगी की सृष्टि बदल जाए वो गुरु इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई आचार्य कहते हैं भगवान के प्रति सरेंडर होने के तीन फायदे कितने फायदे हैं बोलो
कौन कौन से बताओ बताओ। अच्छा हमें बताना है, ठीक है हम बता रहे हैं, सुनो सुन सकते हो? अरे बोलो जी, दुबई वाले ऐसे ही हैं क्या? हाँ तो सुनो, पहला उपाय अब हमको लगा कि हम पहचान गए। हाँ तो पहला उपाय क्या है बोलो बोलो बोलो। नौ, ये कल का था, आज का नया है। कल हमने आपको नए दिए थे तीन चीजें, ध्यान ज्ञान अहंकार का दान, ध्यान ज्ञान अहंकार का दान, ये तीन चीजें दी थी। किस लिए? जागने के लिए। पूछो किस लिए जागना है? तो तीन चीजें, ध्यान ज्ञान अहंकार का। आज हम आपको तीन चीजें दे रहे हैं, भगवान की शरणागति के तीन फायदे। कितने फायदे? भगवान को और गुरु के हो जाने के तीन फायदे। हम अगर गुरु जी के हो गए तो क्या फायदे? ऐसा प्रश्न उठता ना कि हम क्यों भजन करें। अच्छा, आदमी सब काम किसी और के लिए करता है पर भक्ति फायदे के लिए करता है। उनसे कहो कि तुम भक्ति क्या करो, क्या फायदा है? अच्छा तुम ही बताओ, गुटखा खाने से क्या फायदा है? गुटखा खाने से क्या फायदा है? नहीं वो तो फायदा तो कुछ नहीं है पर खा लेते हैं। जब तुम बिना फायदे का गुटखा खा सकते हो तो बिना फायदे का भजन नहीं कर सकते हो? नक कटा है? हमें मिल जाए, हम इतना छीले है? कुछ भी बोलते रहे, इसमें क्या फायदा, इसमें क्या रखा, तीन घंटे कथा में बैठो, क्या फायदा, क्या फायदा, वाह तीन घंटे पिक्चर में क्या फायदा, क्या फायदा? तब तीन घंटे की पिक्चर देखते तब नहीं, नहीं उसमें तो इंटरटेनमेंट होता है, उसमें तो इंटरटेनमेंट होता है। अरे इसमें जिंदगी का इंटरटेनमेंट, उसमें तुम्हारे मन का इंटरटेनमेंट होता है, इसमें जिंदगी का इंटरटेनमेंट होता है। लेकिन आदमी ना, हमें भर मिले तो हम छीले उसे। एक बात और सुन लो, दुबई की धरती से हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने लक्षण हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया को जगाने निकले हैं, जगा करके ही मानेंगे। तुमको दिक्कत हो भारत में रहने वाले हो या दुनिया में कहीं भी रहने वाले हो, हाजमोला की गोली खा लो। अपन तो ऐसे ही, और कुछ लोग कह रहे हैं वहां गए गुरुजी ऐसा वैसा। बहुत लोग भारत में, आज हमें एक संत जी का फोन आया, बहुत से लोग ऐसा कह रहे वैसा कह रहे। अरे चाहे जैसा कहें, हम अपने सरकार के कारण आए, प्रभु के कारण आए, दुबई के लोगों के कारण आए हैं, दुबई के प्रेम के कारण आए हैं, दुबई के बुलावे के कारण आए हैं, दुबई के स्नेह के कारण आए हैं, और यूएई की इस महानता को देखकर आए हैं, और हम आते रहेंगे, जगाते रहेंगे। हम नहीं सुधरने वाले। तुमको दिक्कत है, चैनल बदल लो, मत देखो, अपना म्यूट कर लो, मत सुनो, और क्या कर सकते हो? जब तक जिंदा है हम ऐसे ही रहेंगे। तो तीन उपाय जागने के, ज्ञान ध्यान और अहंकार का दान। तीन उपाय, तीन फायदे गुरु का हो जा, गुरुदेव के हो जाने के। पूछो कौन कौन से? शरणागति के और गुरु प्राप्ति के तीन फायदे। एक तो विचार बदलता है, विचार और व्यवहार बदलता है। क्या बदलता है? विचार और व्यवहार। विचार में ये आता है कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है, सब किराएदार हैं।
ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? यहां से वहां तक की जिम्मेदारी अपनी नहीं रहती, जिसके सरेंडर में हो जाते हो उसकी होती है। जैसे हमें कोई अमेरिका में बुलाए तो तैयारी करके खुद, जैसे हमें अमेरिका जाना हो तो अमेरिका जाना होगा तो स्वयं टिकट करानी पड़ेगी, बैग भी स्वयं लगाना पड़ेगा, वहाँ कमरा भी करना पड़ेगा, होटल भी लेना पड़ेगा, कैब टैक्सी भी बुलानी पड़ेगी। और अगर कोई हमें अमेरिका बुलाए, अगर हम जाएं तो ये व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, और अगर कोई बुलाए तो व्यवस्था उसे करनी पड़ेगी। बोलो यस नो। अरे बोलो। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर जिएंगे तो पूरी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी के मालिक अगर अपने गुरुदेव अपने आराध्य हो जाएंगे तो जिंदगी की व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। हाँ जी या ना जी बोलो। तो ये दूसरा फायदा। अच्छा तीसरा फायदा शरणागति का क्या है? तीसरा फायदा शरणागति का है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। जो यूएई में, दुबई में एक अद्भुत गारंटी है, आप दुबई में रहिए, आप मकान खोल करके रख दीजिए, कोई चोर तुम्हारे अंदर घुसने वाला नहीं। हम जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना, हाँ गड़बड़ ना हो जाए, तो जब हम 148 मंजिल पर चढ़े तो यहाँ के ऑफिसर शेख साहब, हम पूनम बहन ऊपर हवा का आनंद ले रहे थे, नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, गरुड़ पुराण बचना है। अगर नीचे गिरे तो सीधा गरुड़ पुराण, कुछ बचना ही नहीं है। उतनी ऊंचाई पर हम खड़े थे, डॉक्टर साहब ये बैठे, डॉक्टर हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहन पूनम, अहलूवालिया जी भी थे, आप भी थे, ऐसी चर्चा चल रही। ये बात भी हमने वहां चढ़ के बोली थी, ये जो बात हमने अभी कथा में बोली अपन ने चढ़ के भी बोली थी, अपन बहुत खुले आदमी हैं। तो वहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात बताई, लगभग 30 मिनट तक हमारा संवाद चला। अब उनका नाम तो हमें स्मरण नहीं है, जो अधिकारी मिले हुए थे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी इस यूएई कंट्री में, देश में, इस दुबई में अगर आप बुर्ज खलीफा में अपना पर्स डेस्क पे भूल जाते हैं तो आप 2 दिन बाद भी आइए, आपको 2 दिन बाद वो पर्स वहीं पर मिलेगा। इतनी ईमानदारी और इतनी सिक्योरिटी, क्या गजब की सिक्योरिटी है। और शरणागति का यही तीसरा फायदा हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम भी अपने आराध्य, अपने जो साध्य हैं, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपके जो इष्ट हों, नानक हो, मीरा हो, रसखान हो, सूरदास हो, या फिर जो भी आपका हो, आप जिनके प्रति अपना आदर गुरु के प्रति रखते हैं, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी की अकाल मृत्यु से बचाने की जिम्मेदारी आपके आराध्य की और आपके गुरुदेव की हो जाएगी। हनुमान जी में तो ऐसा है, भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय कल्चर को लंका तक पहुंचाने वाले, विश्व में पताका फहराने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनके लिए लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। दोनों हाथ उठा के गाओ, महावीर जब नाम सुनावे,
रक्षा की गारंटी है, सिक्योरिटी की गारंटी है, कोई प्रमाण दीजिए तब मानेंगे, खोखली बातों में नहीं हम मानेंगे। लीजिए प्रमाण, 500 साल पहले लिखा। तुम्हें रक्षक सुख लय तुम्हारे सब सुख लय तुम्हारी सब जग भैया। तीन उपाय ये हमने आपको तीन फायदे बता दिए, कितने फायदे जोर से बोलो। इसको बाद में भी जिंदगी के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी से। तुम्हारा वो नहीं है जो तुम्हारी जिक्र करता है, वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम्हारी जिक्र करता है, तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हारी फिक्र करता है। जिक्र तो कंप्यूटर भी करता है, जिक्र तो गूगल भी करता है, तो जिक्र करने वाला तुम्हारा अपना नहीं है, फिक्र करने वाला तुम्हारा अपना है। बोलो जय जय, बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो।